बेगम मुझे कह रही है ऐसे ऐसे कैसा कुछ नहीं होने वाला। तो हम ग्रॉसरी करने जाते होते हैं जी, उमर कैश एंड कैरी, दिस इज एन, हालांकि मैं उनके शॉप के करीब नहीं रहता जी। हाँ, तो हम आ गए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। मेरी बेटी ने आइसक्रीम खाई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज जनाब सैटरडे है और हमारी मसरूफियात में एक बहुत बड़ी मसरूफियत होने जा रही है, दैट वुड बी, अगर मैं वहां पे गया तो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग, क्योंकि वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर होने वाला है। बट आई थिंक दैट प्लान कैन बी कैंसल्ड बिकॉज आई हैव सम ऑफ द क्लासेस जिसको रीस्केड्यूल होना मांगता, और अगर वो रीस्केड्यूल ना हुई तो फिर ये मैच नहीं देखा जा सकता। क्लासेस लेना सैटरडे को भी जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, 29th को उनका हिस्ट्री का पेपर है एंड हिस्ट्री इज रिलेटेड टू मी, तो मुझे बच्चों को हेल्प आउट करना है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग मैच कुर्बान किया जा सकता है। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं अब ग्रॉसरी करने के लिए और अम्मा है नहीं, इसका मतलब ये है कि इस बार जो ग्रॉसरी है ना हमारी, तो वो अम्मा जो करती होती है ग्रॉसरी वो तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो कम ग्रॉसरी होगी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्योंकि बेगम मुझे कह रही है ऐसे ऐसे कैसा कुछ नहीं होने वाला। तो भी नहीं होने वाला, ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो मैं, मेरे ख्याल है कि सुनकर भी जान नहीं छूटेगी मेरी। तो हम ग्रॉसरी करने जाते होते हैं जी, उमर कैश एंड कैरी, दिस इज एन, हालांकि मैं उनके शॉप के करीब नहीं रहता, बट दैट इज वन ऑफ द रिकमेंडेड ग्रॉसरी स्टोर्स, क्योंकि वहाँ के रेट्स बहुत अच्छे होते हैं और चीज़ें भी बहुत फ्रेश होती हैं वहाँ पे, तो हमेशा वहाँ से जाके हम लोग ग्रॉसरी करते हैं। पिछले 2-3 साल से स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, तो पिछले 2-3-4 साल से बल्कि हम वहाँ से कर रहे हैं ग्रॉसरी, हालांकि दिस इज टू फार अवे फ्रॉम आवर होम, लेकिन फिर भी हम वहीं जाते हैं। तो अभी भी वहीं पर जा रहे हैं, ऊपर कैश एंड कैरी, तो वहाँ के रेट्स भी आपको दिखाते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके ग्रॉसरी करते हैं। A few moments later. जी हाँ, तो हम आ गए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। And let's see कि बेगम साहबा ने क्या लेना। अच्छा, और भी तो ले लो, कुरकुरे तो लिए नहीं आपने? तो बीफ डीसीओ का रेट जो हमें आम मार्केट में मिलता है, दैट इज 1200। वैसे शायद 1000 मिलता है, मटन का रेट भी यहाँ पर क्वाइट कंपैरेटिव, सो यू विल गेट क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑफ इन इट एज यू कैन सी। इस तरह के ऑफ जो है ना आपको यहाँ पर हर जगह मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बेगम साहिबा का बस नहीं चल रहा कि वो पूरी दुकान को खरीद ले। ये देखो बाबा, आप क्यों चल रहे हो, मेरे से क्या चलेगा? मेरे से चल रहे, चल बाबा।
मेरी बेटी ने आइसक्रीम खाई है। इधर इधर देखो, हाथ साफ है, बड़ी मुश्किल से हाथ साफ किए। इधर तो देखो, माय डॉटर्स क्रेज इज दिस बटरफ्लाई। ये वाला लेना आपने? ये वाला नहीं मैंने। हाँ, कौन सा वाला लेना है? What do you want to have? This one? ले लो एक। तो फिर ये वाला वापस कर दें, ये वाला, ये वापस कर दें। नहीं, ये वाला नहीं। एक चीज ले लो आप। हमारा सामान पैक हो रहा है। मामा भी आई है। ओ जरा सबर करो। ठीक, अम्मा आपके जाने के बाद जुल्म हो रहा है मेरे पे। So we ended up at this. This is the list. A list of groceries. जी गाइस, हम लोगों ने ग्रोसरी कर ली है एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है। नाउ आई हैव टू बी समवेयर। ओए, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लगाता भाई। तो एक बच्चे को जाना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ट्यूशन नहीं पढ़ानी यार, उसको हेल्प आउट करना है फॉर हिज एग्जाम्स। और जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था पिछले व्लॉग के अंदर कि आई गॉट फ्री एट 3 o'clock इन द नाइट। सो 3 AM में फ्री हुआ था। फिर अभी दोबारा क्योंकि 29th को उनका पेपर है, सो आई हैव टू बी होम। और फिर मुझे क्लासेस जो है क्योंकि रीस्केड्यूल नहीं हो सकी एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉच पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड मैच। तो क्लासेस अटेंड करनी है, क्लासेस करनी है। मेरे कुछ ब्लॉग्स एडिट होने वाले रहते हैं, सो विल बी डूइंग दैट। सो मिलते हैं आपके घर जाके। पीस। लो जी, स्टोर वालों ने हमारे साथ कर दिया प्रैंक। अंडे 2 दर्जन लिए थे हमने और बेगम साहब ने पूछा कि जनाब वो किधर गए, अंडे हैं हमारे पास? नहीं। मैंने कहा यार अगर आगे नहीं ना पड़े तुम तो फिर उन्होंने नहीं दिए। तो घर से वापस आया हूँ मैं अंडे लेने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये तीसरी बार हो चुका है हमारे साथ। तो ये प्रैंक, अंडों वाला प्रैंक ही कुछ तीसरी बार कर दिया। हमारी भी खैर गलती है। मुझे पहचाना है जी। कौन हूँ मैं? नहीं पहचाना मुझे यार, तो मेरे व्लॉग्स नहीं देखते? मोबाइल नहीं चलाते ना? अगर तुम मोबाइल चलाते होते तो मेरे व्लॉग्स को देखते। कैसा लगा मेरा मजाक? बिस्ती हो गई मेरी यार, मेरे व्लॉग्स नहीं देखता है। गाइस, 300 सब्सक्राइबर है मेरा, मुझे कौन जानता होगा। So I was just acting. Guys, रात को अपना व्लॉग एंड नहीं कर सका तो आई थॉट के अभी उठ के व्लॉग अपना एंड कर लूँ। तो बस अब व्लॉग कल वाला एंड कर रहे हैं और नया व्लॉग आज ही स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी ऑडियंस क्रिएट हो सके। एंड ऑलवेज हैव अ रिक्वेस्ट के वट एवर, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो जब भी आपको लगे कि कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डू क्रिटिसाइज एज वेल, बट दैट हैज़ टू बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म।
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तो इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, इस दुनिया के अंदर पॉजिटिवनेस फैलाएं और हमेशा स्माइलिंग फेस रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।